नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे बाइक पर बच्चों के बैठाने को लेकर एक नया नियम जारी हो गया है, हम उसके बारे में। अगर आपके पास टू व्हीलर है और आप उस टू व्हीलर पर आप अपने बच्चों को लेकर आते जाते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसको लेकर भी नियम जारी कर दिया गया है। टू व्हीलर पर आप अपने बच्चों को बैठा कर कहीं भी ले जा रहे हैं तो यह जरूरी नियम आपको जान लेना चाहिए। आने वाले समय में 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को भी दुपहिया वाहन पर सफर के दौरान हेलमेट जरूरी होगा। परिवहन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 15 फरवरी से 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट के साथ साथ सेफ्टी हॉर्न्स बेल्ट पहनना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ जिस टू व्हीलर पर 4 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उसकी अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जानिए आखिर क्या है पूरा नियम। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। वर्तमान में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 4 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत होती है, इसको लेकर डाटा जो है अभी सरकार के पास नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 को अधिसूचना के माध्यम से CMBR 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और 4 साल से कम उम्र के बच्चों के टू व्हीलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मापदंड निर्धारित कर दिया है। बाइक चालक को 9 महीने से 4 साल के बच्चों के सीट के पीछे ले जाते समय सेफ्टी हॉर्न्स का उपयोग करना होगा। एक प्रकार से यह एक पहना जाने वाला बेल्ट होता है। इसको पहनने के बाद टू व्हीलर से बच्चे के गिरने की संभावना नहीं होती है। यह एडजस्टेबल बेल्ट है और राइड से बेल्ट बांधा जाता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है और इसका एक हिस्सा टू व्हीलर पहनने वाले के कमर से लॉक कर दिया जाता है। बच्चों के नियम के साथ साथ कई चीज़ों को भी बदला गया है, जिसमें कि जोखिम भरे ढुलाई करने वाले वाहनों में GPS लगाने की बात कही गई है। मंत्रालय के खतरनाक या फिर जोखिम वाले सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों में भी व्हीलर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि GPS लगाने को कहा गया है। अधिसूचना के अनुसार अब तक राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं आने वाले विभिन्न गैस जैसे कि ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वाले वाहनों में भी GPS लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 माह में हितधारकों के सुरक्षा की टिप्पणियाँ मांगी गई है। हीट एंड रन मामले में भी मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने हीट एंड रन मोटर दुर्घटना में पीड़ितों से मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अब ऐसे मामलों में मौत होने पर पीड़ितों के आश्रितों को 2,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले 25,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाती थी। जख्मी होने पर यह राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर अब जो है 50,000 रुपये कर दी गई है। 1 अप्रैल से यह क्षतिपूर्ति योजना लागू होगी। मंत्रालय ने इसको लेकर अभी से हरी झंडी कर दी है। तो इस तरह से कहने के अगर आप अपने बच्चों को लेकर टू व्हीलर पे आगे जा रहे हैं या फिर आ जाने या आने के क्रम में अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो उसमें जो है आपसे बच्चे का हेलमेट या फिर सीट बेल्ट लगाने को कह सकती है। ऐसे में अगर आप टू व्हीलर वाहन से बाहर निकल रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। जय जय जत, धन्यवाद।